नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, बहुत दिनों के बाद आप देख रहे हैं कि मैं एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड लेकर के आया हूं और आपके बीच में वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूं। और अभी स्टैंड मेरे पास नहीं है, स्टैंड दो एक दिन में आ जाएगा, तब प्रॉपर ये पूरा व्हाइट बोर्ड दिखेगा अच्छी तरीके से। जितना मुझसे हो सकता है इस व्हाइट बोर्ड पर देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो डिजिटल बोर्ड की बात आप लोग कर रहे हैं, हमें लगेगा तो उसकी भी आवश्यकता हम पूरी कर देंगे। भगवान की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से अब मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है और बहुत जल्दी सब चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिनों से लगातार हमारे पास मैसेजेज आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जो 27,300 के बारे में है, उस पर सर आप भी वीडियो बनाइए। क्या यूपी टेट होगा कि नहीं होगा, क्या दोबारा से हम लोग सीटेट दे पाएंगे, क्या 2 महीने के अंदर शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, इन सभी तमाम मुद्दों के बारे में और हाईकोर्ट जो डबल बेंच का फैसला है वह क्या है, किस तरीके से है, कैसे हो सकता है आगे, उन सभी रणनीतियों पर हम आपसे बेहतरीन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में। मित्रों, जो 68,500 शिक्षक भर्ती थी, आप सभी लोग जानते हैं 1,37,500 शिक्षा मित्रों की जो समायोजन होता है, उस समायोजन को 25 जुलाई 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि 2 बड़ी शिक्षक भर्ती देकर के 1,37,500 शिक्षा मित्रों को मतलब कि एडजस्ट किया जाए। उसके बाद सरकार के द्वारा 68,500 और 69,000 के नाम से 2 शिक्षक भर्ती दिया जाता है। 68,500 में बहुत सारे शिक्षक जो है, बहुत सारे लोग नौकरी पा जाते हैं। और उसके बाद 68,500 की ही खाली बात करेंगे, 69,000 की बात हम नहीं करेंगे। देखिए, 68,500 में हुआ क्या, शुरुआत में जब मतलब कि रिजल्ट आया तो उसमें जो है 41,000 बच्चे पास किए गए, ठीक है, 41,000 से ज़्यादा बच्चे पास किए गए शुरुआत में। उसके बाद जो है इस रिजल्ट में बहुत सारी कमियाँ रही, जैसे कि आप लोग अगर जानते होंगे कि एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और अंकित वर्मा जी नाम है और स्टडी साला नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं अंकित वर्मा। अंकित वर्मा का 121 नंबर था, उनको 21 नंबर दे दिया गया, मतलब आनंद फानन में परीक्षा कराया गया और आनंद फानन में रिजल्ट भी दे दिया गया था। इसमें केवल बीटीसी के ही छात्र ही सम्मिलित थे, बीटीसी और शिक्षा मित्र, बीएड के छात्रों को इसमें मौका नहीं दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, ऐसे बच्चे जो है दिक्कत में थे उनको जो है बाद में मौका दिया गया, मतलब वो लोग लड़ाई लड़ करके नौकरी लिए, लगभग 4500 के आसपास दोबारा से नौकरी पा गए, ठीक है। 41,000 में 41,000 पहले पाए, उसके बाद 4500 फिर पा गए नौकरी। फिर इसके बाद कुछ बच्चे और बचे हुए थे जिनके साथ कुछ दिक्कतें हुई थी, हो सकता है, मैं दिक्कतें सरकार के ऊपर नहीं कहा जा सकता है, यह दिक्कतें हर एक भर्ती में होता है, किसी का माइनर मिस्टेक हो जाता है, 1 नंबर 2 नंबर इधर उधर हो जाता है। उसके बाद जो है 1500 के समथिंग बच्चे और नौकरी पा जाते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट आंकड़ा मैं नहीं लिख रहा हूँ, लगभग इतने बच्चे नौकरी पा जाते हैं। उसके बाद ये पूरा अगर आंकड़ा जोड़ा जाए तो 41,000, 4500 और 1500, लगभग 47,000 बच्चे नौकरी पा जाते हैं, ठीक है। लगभग 47,000 पद जो है इस 68,500 में भर जाता है। जो आप लोगों ने जजमेंट देखा है, उस जजमेंट में आपने पढ़ा है 27,300 के करीब जो है विज्ञापन निकाल करके शिक्षकों को फिर से नौकरी दे दिया जाए, लेकिन आप देख रहे हैं 47,000 जब 68,500 में नौकरी पा गए तो कितना बचा है? हमको लगता है 0, 0, 5, 8 में से 7 गया, 1, 6 में से 4 गया, 2, लगभग 22,000 के समथिंग है, 21,500 पद शेष है 68,500 में, 27,000 नहीं है। यह 27,000 का जो आंकड़ा आपको दिया गया है ये 41,000 के पद के मतलब 41,000 पहली ही लेट जो है मतलब कि नियुक्ति की जो रिजल्ट आया था उसके बाद ही यह मामला कोर्ट में चला गया था 30-33% और 40-45% पे, उसके बाद से जो है वह आंकड़ा निकल करके 27,000 वाला आया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मात्र 22,000 पद ही रिक्त हैं, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आगे क्या हो सकता है, क्या ये 27,000 का आंकड़ा है इस पर सरकार कोई एक्शन लेगी? निश्चित तौर पे मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार जो है अभी फिलहाल एक जो 22,000-27,000 का जो मैटर है, इस मैटर पे कुछ भी नहीं बोलना चाह रही है, ना ही कुछ बोलेगी। यह निश्चित तौर पे यह जो पुराने लोग हैं उस यह डबल बेंच से संतुष्ट नहीं होंगे, यह लोग जो है अपना जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर के जाएंगे यह फंसाने के लिए। तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया है, ध्यान से आदेश को सुनिएगा, हाई कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया है कि अगले 2 महीना के अंदर अगर आप ATRE मतलब असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं करवाते हैं तो उसका रीजन बताइए कि आप नहीं क्यों करवा रहे हैं। अगर रीजन बताना है तो इसे जो है हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में अच्छी तरीके से छाप करके दे दीजिए। तो सरकार निश्चित तौर पे इस मंशा में नहीं है कि भर्ती दिया जाए,
तो यही हो सकता है कि निश्चित तौर पे वो हिंदी और अंग्रेजी वाले में छाप के दे देंगे कि हमारी ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, इस वजह से नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो विधानसभा में बात है 85,000 की, 85,000 से ज़्यादा पद जो है विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कई बार बोला है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इतने पद रिक्त हैं, तो क्या 85,000 मामले को लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए? मैं निश्चित तौर पे यही कहूँगा कि इस मामले को लेकर के भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा मामला 85,000 हो सकता है क्योंकि इतने पद रिक्त हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मतलब कि शिक्षक छात्र अनुपात जोड़ा जाता है तो उसमें शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन जब बात आती है गुणवत्ता की, शिक्षा मित्र कमजोर गुणवत्ता में हो जाते हैं, और जब समानुपात अनुपात बराबर करने की बात आएगी शिक्षा मित्रों को प्रॉपर शिक्षक मान लिया जाता है। यह जो है देश की प्रदेश का दुर्भाग्य है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये जो 85,000 शिक्षक भर्ती है इसको लेकर के जो छात्र अभियान चलाए जा रहे हैं निश्चित तौर पर उस छात्र अभियान का कोई ना कोई फर्क जरूर पड़ेगा। अब हम बता दें क्या 2 महीने के अंदर सरकार इस 27,300 पे कोई फैसला लेगी कि नहीं लेगी? मैं आपको बता दूं सरकार के पास भी इस समय दबाव है, निश्चित तौर पे जो शिक्षक भर्ती है वह शिक्षक भर्ती आने वाले समय में आपको जरूर देखने को मिलेगी। अब क्या आप लोग जानते हैं क्या 2 महीने के अंदर ही शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी? इस पर क्या हम बता सकते हैं? मित्रों 2 महीने के अंदर आपको शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन शिक्षक भर्ती दिसंबर से पहले आपको देखने को मिल सकती है, ऐसी उम्मीद मुझे भी लगती है। देखिए इसमें क्या हो सकता है, अभी आप लोग जानते हैं गोरखपुर की जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी की मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की जो सोशियोलॉजी की प्रवक्ता रही हैं उनको जो है डॉक्टर कीर्ति पांडे जी को जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। अभी तक ये कहा जाता था कि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त ही नहीं हुए हैं तो शिक्षक भर्ती की बात कैसे की जाए, लेकिन जब माननीय कीर्ति पांडे जी को माननीय कीर्ति पांडे जी को शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है तो निश्चित तौर पर यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 5 सितंबर को अभी जो न्यूज मेरे सामने आई है 5 सितंबर को पहली बैठक अध्यक्षा जी की नियुक्ति मतलब कि होने जा रहा है 5 तारीख को शिक्षा सेवा चयन आयोग में, उसमें TGT PGT की जो पुरानी परीक्षाएं हैं उस पर निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों को जो है वो दिया जाएगा, यूपी टेट की बात किया जाएगा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी विचार विमर्श किया जाएगा। जो पुरानी लंबित भर्तियां हैं उसको निर्धारण मतलब कैसे पूरा किया जाए और नई शिक्षक भर्तियों पर कैसे बात किया जाए 5 सितंबर को पता चलेगा। और 5 सितंबर के दिन जो छात्र अभियान लोग कल चला रहे हैं निश्चित तौर पर उसका कोई ना कोई लाभ आपको जरूर मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ निश्चित तौर पर इस बात को ध्यान रखिएगा, वैकेंसी आ जाए या कल आए लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा जो बच्चा प्रॉपर 6 माह पढ़ाई नहीं करेगा, प्रॉपर 6 माह और विधिवत पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, प्रॉपर 6 माह विधिवत पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कैसे पढ़ाई करें, अब तो निश्चित तौर पे मेरे पास व्हाइट बोर्ड आ गया है, मैं पर डे 1-2 वीडियो आपको देता रहूँगा कि कैसे आपको क्या पढ़ना है और किस दिशा में कितना पढ़ना है, मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन प्रॉपर 6 माह अगर आप लोग मेहनत नहीं करते हैं और गलती से सरकार जो है इस बात पे एक्शन ले लेती है 27,000 से 30,000 पद आपके बीच दे देती है तो 27,000 से 30,000 पदों पे बहुत भयंकर कंपटीशन होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए हो क्या रहा है कि आपको 27,000 का आंकड़ा दे करके तुरंत के तुरंत कोचिंग सेंटरों के द्वारा बैच जो है बना दिया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा बैच आपको ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना है, या आपके ऊपर निर्णय छोड़ता हूं, लेकिन आप अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा कि आज के समय में स्वाध्याय अति आवश्यक है। जितनी NCERT SCERT की चीज़ें आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए लाभ होगा। मैथ के लिए कुछ बच्चों ने बोला है कि मैथ के लिए मैं प्रॉपर से अलग से कोई ना कोई काम जरूर करूंगा। मैथ आप लोग जानते हैं कि मैं SCERT का मैथ जो आपके DLED में चलता है उस मैथ को विधिवत तरीके से आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मेरा प्रयास ये है कि 30 नंबर का मैथ 20 नंबर का या कितने का मैथ आता है, शायद 20 से 25 नंबर का मैथ आता है ना, 20-25 नंबर का मैथ आता है। मैं मानता हूँ कि 30 नंबर का अगर मैथ आने वाला है अगले सुपर टेट में तो 30 नंबर में कुछ बच्चे सहते हैं जो 25 के ऊपर पा जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चियाँ गृहिणियाँ ऐसी हैं जो 30 नंबर में से 3 नंबर पाने के काबिल नहीं है। मैं उनके लिए बैच बनाने का प्रयास करूँगा, या तो फ्री पढ़ाऊँगा या तो बैच बना दूँगा, जो भी मुझे लगेगा। आप लोग कमेंट करिएगा आप लोग क्या चाहते हैं, फ्री पढ़ाऊँ कि कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि फ्री का बहुत कम कीमत लोग लगाते हैं, इसी वजह से मैं भी चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा पेड करके बहुत नॉमिनल फी में अगर पेड करके हमसे जुड़ेगा तो निश्चित तौर पे वह विधिवत पढ़ाई करेगा, मेरा ये उद्देश्य है। बाकी मैंने उस समय DLED को मैं पढ़ा रहा था फ्री में, जिस समय पूरे YouTube पर कोई DLED को नहीं पढ़ाता था, मैं फ्री आपका आपको पढ़ाता था, मैं भी चाहता तो उस समय पेड कर सकता था, लेकिन
मेरे जीवन में यही चलता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साध न भूखा जाए, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। लेकिन अगर आप लोग जैसा कहेंगे वैसे ही हम काम करेंगे। निश्चित तौर पे आप लोगों की दुआओं की वजह से ही शायद आज मुझे ईश्वर कुछ दे रहे हैं, मुझे आवश्यकता बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होती है। आगे 27,300 शिक्षक भर्ती, निश्चित तौर पे यह जो आंकड़ा है और उसके बाद 51,000 जो हलफनामा दिया गया है वह सब भी मिला करके आप सभी के बीच 3 से 4 महीनों के अंदर शिक्षक भर्ती का एक प्रॉपर जो सिनेरियो है वो डेवलप हो जाएगा और आप देख लेंगे कि आपकी शिक्षक भर्ती कब तक कंप्लीट होगी। आप यकीन मानिए कि अगर सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनेगा तो बहुत छोटी वैकेंसी आपको दे दिया जाएगा, बहुत तगड़ा कंपटीशन आपसे ले लिया जाएगा, लेकिन जो पढ़ेगा उसकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं छात्र अभियान और सरकार के ऊपर जो दबाव है और सरकार के जो बच्चों का जो सिनेरियो है वो सरकार के पास पहुँचता है तो ये मुझे भी लगता है कि एक बड़ी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके लिए आप लोग 6 माह प्रॉपर तैयारी करिए, करंट अफेयर अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, मैथ के लिए आप SD यादव की बुक को जो है लगातार प्रेफर करते हुए पढ़ाई करते रहिए, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक मैंने बताया है, मनोविज्ञान के नोट्स को मेरा आपका भाई CDP का नोट्स स्वयं देगा, मनोविज्ञान शिक्षण कौशल जीवन कौशल के जो 30 नंबर का सिनेरियो है वो 30 नंबर का नोट्स बना के मैं आपको दूंगा। मुझे पता है कि 30 नंबर में से कम 25 से ज़्यादा नंबर मैं अपने नोट्स को दिला दूंगा, बस मेरे ऊपर भरोसा करिएगा। अभी आप मनोविज्ञान को साइड में रखिए क्योंकि मनोविज्ञान के लिए आपका भाई आपके साथ है, और भी जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है 20 नंबर का, अंग्रेजी है, संस्कृत है, इन सभी चीज़ों पर आप काम करते रहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कहीं से बैच लेकर के ही पढ़ाई करेंगे तो आप गलती करेंगे, आप निश्चित तौर पे किताबों को जरूर पढ़िए। ठीक है, अब यह CRT की किताब कक्षा 6 से लेकर के 10 तक जो उत्तर प्रदेश की सरकारी किताबें हैं सामाजिक विज्ञान की, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, उसको जरूर पढ़ डालिएगा क्योंकि GS के क्वेश्चन वहीं से सीधे डिट्टो क्वेश्चन मिलते हैं, या तो जो आपने DLED के सेमेस्टर में आपने सामाजिक विज्ञान के पूरे सिलेबस को पढ़ा है उसी चीज़ को आप पढ़ डालिएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की जितना सिलेबस है आप उसको ही पढ़ डालिएगा, आपका GS का काम हो जाएगा। करंट अफेयर आप पर डे जो है कुमार गौरव सर की क्लासेज को आप देखते रहिए, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी का जो टॉपिक वाइज आपको दिया गया है, अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आप जो है एक एक जैसे अव्यय आपको पढ़ना है, अव्यय आप YouTube पर मतलब सर्च करिए, आपके सामने अव्यय के बहुत सारे टीचर आ जाएंगे अव्यय पढ़ाते हुए, उसके बाद आप अव्यय को जो अच्छा आपको लगे उसी से पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो, अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो आपको कहीं से भी बैच आप ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग देखिए जब से ऑनलाइन का सिनेरियो आया है ना, पहले क्या होता था ऑफलाइन के क्षेत्र में जो अध्यापक बेहतर होता था उसी के पास भीड़ लगती थी, और आज के समय क्या है, आज के समय यह है कि जो कभी जीवन में कोई शिक्षक भर्ती नहीं निकाल पाया है, जो कभी जीवन में कभी टेट सेट पास नहीं है, वह भी जो है आपको CTET और UPTET और शिक्षक भर्ती में आकर के अपने आप को बड़ा मार्गदर्शक साबित करने का प्रयास करता है ना। लेकिन ऑनलाइन के आने से बहुत कुछ फायदा भी हुआ है, बहुत सारी हानियां भी हुई हैं। आप पहचान नहीं पाते हैं कोई आपके साथ धोखा कर रहा है, कौन आपको बेहतर कर रहा है। ठीक है, समझ नहीं पाते हैं तो स्वाध्याय आप जरूर करिए। मेरे से जो इच्छाएं आपकी होती हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए काम करूंगा। ठीक है, मेरा मन है। और जो शिक्षक भर्ती है, UPTET के बारे में बात कर लेता हूँ। UPTET को लेकर के बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूजन की स्थिति में है कि भैया UPTET आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दूं जो सरकार की रेवेन्यू होती है वो इसी जो CTET है UPTET हो जो एलिजिबिलिटी एग्जाम होते हैं इससे रेवेन्यू जनरेट होती है, और शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार जो है अस्तित्व में आया है, तो हमें जहाँ तक लगता है UPTET कराया जा सकता है। तो जो UPTET नहीं पास है, जिन्होंने CTET नहीं दिया है, जिनको एक भौकाल बना दिया जा रहा है कि 2 महीने के अंदर शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी और आप सभी लोग बाहर हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि शिक्षक भर्ती 15 दिन के अंदर आपको आ जाएगा और आप जो है जो UPTET नहीं दिया वो बाहर हो जाएंगे। आप मान के चलिए UPTET वाले 50-50% चांस है कि आपको भी मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि 5 तारीख को जो बैठक होगी उसमें निश्चित तौर पर एक अच्छा जो है सिनेरियो निकल करके आएगा, एक अच्छा जो है समझ विकसित हो जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ UPTET भी 50% संभावना है कि UPTET हो जाए, 50-50%, और UPTET होता है तो ऐसा नहीं कि UPTET होगा तो शिक्षक भर्ती 10 महीना लेट चली जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट का डबल बेंच का आदेश है, इस आदेश को जो है कहीं ना कहीं अगर दबाव रहेगा तो मानेंगी। मैं आपको बता दूं यह वही सरकार है
जो हाईकोर्ट के फैसले को प्रभावित होकर के मात्र 4 महीने के अंदर 17,000 TGT PGT की वैकेंसी क्लियर करवाती है। तो आप अपने दिमाग में इस भ्रम को निकाल दीजिएगा कि 4 से 5 महीने में उत्तर प्रदेश सरकार कभी नहीं काम कर सकती है। आप सभी लोग 2021 में अगर थोड़ा सा भी जागरूक रहे होंगे, 2021 के अप्रैल में जो है शिक्षक भर्ती आती है 17,000 TGT PGT की, और अक्टूबर में जो है उसका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाता है, और आज जो है 17,000 TGT PGT वैकेंसी के लोग नौकरी कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट के आदेश को सरकार बहुत हल्के में नहीं लेती है, हल्के में इस वजह से नहीं लेती है, कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट लग जाता है, कोर्ट की अवमानना लग जाता है, इस वजह से इसको हल्के में मत लीजिएगा। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और हमसे जो आप आशाएं करते हैं उस आशाओं को जो है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके साथ हूँ, साथ था, साथ रहूँगा। मुझे कभी भी इसका, जिसे कहते हैं कि पैसे का लालच लेकर के मैं कभी काम नहीं किया हूँ, आगे भी मैं यही चाहता हूँ। मैं हमेशा कहा हूँ कि कभी मैं जीवन में ऐसे ही पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जब काम कर रहा था तो कोई मुझसे कहा था कि आप क्या कर सकते हो, मैं शिक्षक बन सकता हूँ, ये बहुत छोटी बात है, मैं शिक्षक बन सकता हूँ, और वास्तव में आप लोगों के आशीर्वाद से मैं शिक्षक हूँ भी, लेकिन मैं शिक्षक बना सकता हूँ, यह बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का हर एक जिला नितिन उपाध्याय के नाम से पहचाना जाए, हर एक स्कूल में हमारे छात्र रहें, और यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कहीं ना कहीं 2021 बैच के बच्चों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ, उनके लिए लाभदायक होगा, उनके लिए प्रेरणादायक होगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, जो आपकी आशाएँ हैं मुझसे कहिए, ठीक है। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। यूपी टेट भी आएगा, शिक्षक भर्ती भी आपके सामने देखने को मिलेगी। अब कब तक देखने को मिलेगी बता दूं, दिसंबर से पहले आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, जहां तक मुझे लगता है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और कट ऑफ की मैं बात बता दूं, जो कट ऑफ अगर 27,000 शिक्षक भर्ती आती है तो आपका कट ऑफ कितना लग सकता है, क्योंकि बहुत बार बच्चा पूछेगा। तो आप लोग यकीन मानिएगा, अगर यही सिलेबस रहता है और इसी तरीके से गुणांक जोड़ा जाता है तो जनरल के लिए 115 नंबर टारगेट करिएगा, 115 के ऊपर आपका कट ऑफ लगेगा, ठीक है। 115 के नीचे उम्मीदें कम रहेंगी, क्योंकि शिक्षा मित्रों को अगर भारांक दे दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जनरल की कट ऑफ बढ़ जाएगी, 115 नंबर के नीचे नहीं होगा। और जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं 110 के नीचे, मतलब 110 से नीचे, मतलब 105 से लेकर के 110 तक आप जो है अपना जो है क्राइटेरिया फिक्स करके चलिएगा, उसके नीचे आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आप समझ रहे हैं, और प्रीवियस ईयर का जो पेपर है 68,569 का, उसको देख लीजिएगा, बहुत चीज़ें कठिन नहीं आती हैं, बस आपको पढ़ाई करना है, ईमानदारी से लग के पढ़ाई करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा, राह देखेंगे तेरी टारगेट के लिए, राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, या तो मिलेगी तू या तो हमें ठिकाने लग जाएं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबराए अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। या आप सभी के लिए सकारात्मक है, निश्चित तौर पे आप सभी आज तक जो देख रहे थे, अभी तो आयोग के अध्यक्ष नहीं आए हैं, अभी तो कुछ प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, यह आपके लिए सकारात्मक और सकारात्मक होगा भी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, आगे आप लोग बताते रहिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। और जो मैथ के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैथ और संस्कृत दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर मैं वीडियो देने का प्रयास करूँगा एक बैच के माध्यम से, ठीक है। चलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।